Assalamualaikum friends, welcome to our YouTube channel. तो दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो है ChatGPT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों के काम को बहुत आसान कर देती है। वो काम जो कि इंसान करने में बहुत टाइम लगाता है, वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस काम को चुटकियों के अंदर ख़त्म कर देती है। जैसे कि अगर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी एनिमेशन को बनाने में एक हफ्ता या दो हफ्ता लेते हैं, तो वहीं पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं वो उसको मिनट्स के अंदर तैयार करके दे देते हैं। तो दोस्तों आज एक ऐसे ही टूल के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, जिसका नाम है ChatGPT। दोस्तों बहुत लोग ChatGPT से फेमिलियर भी होंगे और बहुत लोगों को इसका नहीं पता होगा, बट ChatGPT एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर आप कोई भी क्वेरी डाल तो वो उसका आंसर आपको सेकंड्स के अंदर दे देगा। इसके अलावा आप इसमें कोई भी आर्टिकल लिखवा सकते हैं, आप इसको कोई भी कमांड दें किसी भी आर्टिकल राइटिंग का, वो आर्टिकल आपको लिख के देगा, और उसके अलावा और भी बहुत मुख्तलिफ चीज़ें जो कि वो आपको करके देगा। तो दोस्तों आज इसी ChatGPT के 10 ऐसे हैक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है और आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ChatGPT को ओपन कर लेना है। ChatGPT को ओपन कर लेने के बाद जो सबसे पहला हैक है वो ये है समराइज द वीडियो। ये एक ऐसा हैक है जिसमें ChatGPT आपके लिए कोई भी वीडियो समराइज करता है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है समराइज दिस वीडियो, नीचे वीडियो का लिंक और जो वीडियो का टाइटल है वो आप लोगों ने डाल देना है। सिंपली आप इसको एंटर करें तो इसने यहाँ पर हमारी जो वीडियो थी उसको समराइज कर दिया है। दिस वीडियो इज अ ट्यूटोरियल ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स इन हिंदी एंड उर्दू। यहाँ पर इसने समराइज कर दिया है पूरी एक घंटे की वीडियो जो है वो आपको सिर्फ चंद लाइनों में इसने डिस्क्राइब करके दे दिया है कि इस वीडियो में बंदा क्या कह रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पॉडकास्ट है, दो घंटे ढाई घंटे का कोई पॉडकास्ट है, उसका आप लोग सिर्फ लिंक कॉपी करने और टाइटल कॉपी करके यहाँ पर डाल दें, उस पूरे पॉडकास्ट की जो समरी है वो आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा। आप लोगों को पूरा पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं बहुत, और अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था इसका सबसे पहला हैक। दोस्तों दूसरा जो एडवांटेज है ChatGPT का वो है समराइज द आर्टिकल। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है समराइज द आर्टिकल और नीचे उस आर्टिकल का आप लोगों ने लिंक पेस्ट कर देना है और इंटर कर लेना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आपको ये यहाँ पर समराइज करके देगा अपनी थॉट्स के मुताबिक, अपने जो इसका यहाँ पर ये आपको जो आर्टिकल है वो समराइज करके देगा सिर्फ चंद ही लाइनों के अंदर अंदर। यहाँ पर इसने आपको पूरे का पूरा जो आर्टिकल है वो चंद लाइनों के अंदर समराइज करके दे दिया है। अगर आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली यहाँ पर मोर टाइप करें तो उसके आगे ये आपको बताना स्टार्ट कर देगा। ये एक इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है जिससे आप कोई भी आर्टिकल हो वो समराइज कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों ChatGPT का जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि ChatGPT आपका टीचर भी है। आप इससे कोई भी चीज़ पूछें ये आपको उसका सलूशन देगा और आपको बताएगा कि क्या चीज़ आपने किस तरह करनी है। अगर आपने कोई किसी वीडियो की SEO करनी है या कोई भी चीज़ करनी है तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर लेना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ टीच मी हाउ टू रिमूव पिक्चर बैकग्राउंड इन फोटोशॉप। यहाँ पर मैंने लिखा है टीच मी हाउ टू रिमूव पिक्चर बैकग्राउंड इन फोटोशॉप के फोटोशॉप में आप लोग किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर इसने आपको वो सारे स्टेप्स बता दिए हैं, वो सारे टूल्स ही आपको बताएगा जिसके ज़रिए से आप लोग किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। श्योर आई कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पिक्चर बैकग्राउंड इन फोटोशॉप। पहला है ओपन योर इमेज इन फोटोशॉप एंड सेलेक्ट द मैजिक वन टूल फ्रॉम द टूल बार ऑफ द लेफ्ट साइड। तो जो भी फोटोशॉप यूज़ करता होगा उसको पता होगा कि कौन सा टूल है, ये मैजिक वन टूल आपने यूज़ करना है और इसके अलावा जितने भी स्टेप्स इसने बताए हैं उसको आप फॉलो करें
और आपकी जो पिक्चर है उससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये एक चैट जीपीटी का बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। दोस्तों अगली चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि चैट जीपीटी आपका डॉक्टर भी है। जी हाँ दोस्तों, आप इससे किसी भी किस्म का डाइट प्लान लिखवा सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ आप इससे लिखवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कमांड दिया है क्रिएट अ 12 वीक्स हेल्दी मील डाइट प्लान ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया है वीक वन ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर वीक टू ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कि पहले हफ्ते में आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, फिर लंच में क्या खाना चाहिए और डिनर में क्या खाना चाहिए। इसी तरह वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर, तो इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है और अलग अलग करके हर एक चीज़ हमें बताई है। लोग लाखों रुपए दे रहे होते हैं डॉक्टर से अपना डाइट प्लान बनवाने में और एक कंप्यूटर जो कि मिनटों के अंदर आपको आपका डाइट प्लान बना के दे रहा है। दोस्तों अगली चीज़ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है AI क्लोन ऑफ पीपल। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को लिखा है कि री राइट द फॉलोइंग एज इफ पॉलिटिशियन इमरान खान सेट इन हिज स्टाइल, आई कैन नॉट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल एंड लॉ इन कंट्री। यहाँ पर इसको मैंने लिखा है कि जो लाइन है इसको इस तरह री राइट करो कि जैसे इमरान खान ने ये लाइन्स बोली हों। तो इसने लिखा है कि माई डियर फेलोज पाकिस्तानी, लेट मी टेल यू, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। यानी कि ये इमरान खान की जो एक्सेंट है उसका जो टोन है उसको भी ये समझता है और उनकी स्टाइल में इसने ये जो सारी लाइन है उसको लिखा है। इसके अलावा जो भी फेमस सेलिब्रिटीज़ हों, जो भी फेमस कंटेंट क्रिएटर्स हों, उनकी टोन में आप इससे कुछ भी लिखवा सकते हैं। अगर इसको मैं कहूँ कि तुम इसी टोन में सब कुछ लिखो तो ये आपको उसी टोन के अंदर सब कुछ लिख के देगा। ये एक इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये किसी भी फेमस बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है उसका जो स्टाइल है उसके अंदर आपको ये कुछ भी लिख के दे सकता है। दोस्तों इसके बाद चैट जीपीटी जो है वो आपका टूर प्लानर भी है। मैंने इसको यहाँ पर कहा कि आई एम गोइंग टू पिशावर फॉर सिक्स डेज, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। इसको मैंने बोला कि मैं 6 दिनों के लिए पिशावर जा रहा हूँ, कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं पिशावर में जहाँ हम लोग विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा कि पिशावर म्यूज़ियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूज़ियम्स इन पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं बलाहिसार फोर्ट, फिर कह रहे हैं खैबर पास, मोहब्बत खान मॉस्क। तो इसने मुख्तलिफ प्लेसेस जो हैं पिशावर में वो हमें रिकग्नाइज कर दी है कि इन जगहों पर आप लोग जा सकते हैं। तो आप इसको एक टूर प्लानर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चैट जीपीटी का जो अगला एडवांटेज है वो ये है कि चैट जीपीटी रिकमेंडेशन भी करता है। इसको मैंने यहाँ पर कमांड दिया है कि रिकमेंड मी 10 books ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर मुझे 10 books रिकमेंड करो। तो सबसे पहली बुक इसने रिकमेंड की है द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया बाय ऑथर का नेम है आगे द सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्क बुक, कॉन्टेजियस, हक योर हर्ट्स, मुख्तलिफ किस्म की जो 10 इसके नज़दीक जो टॉप क्लास सोशल मीडिया मार्केटिंग की बुक्स थी वो इसने मुझे रिकमेंड कर दी है। अगर यहाँ पर मैं मोर लिखूँ तो ये इसके अलावा और भी जो बुक्स हैं वो भी हमें रिकमेंड कर देगा। तो ये एक इसका अच्छा एडवांटेज है। दोस्तों इसके बाद जो अगला एडवांटेज है वो है कि चैट जीपीटी पोइट्री भी लिख सकता है, चैट जीपीटी एक पोइट भी है। इसको मैंने यहाँ पर कमांड दिया है कि क्रिएट अ सेट पोइट्री, या इसके अलावा आप मुख्तलिफ जिस टॉपिक पर आप पोइट्री लिखवाना चाहें इससे उस केस वो आप इसको यहाँ पर कमांड दें तो उसके मुताबिक ये आपको पोइट्री लिख के देगा। यहाँ पर इसको मैंने कमांड दिया क्रिएट अ सैड पोइट्री, तो इसने मुझे एक सैड पोइट्री लिख के दी है। द स्काई अबव इज़ ग्रे एंड ब्लीक एज टीयर्स हैज फॉल डाउन इन माई वेरी चीक, माई हार्ट फील्स हैवी एंड पूरी इसने एक अच्छी खासी बड़ी पोइट्री लिख के दी है, जो कि आपको अगर किसी के लिए आप कोई पोइट्री लिखना चाहें तो आपको कोई स्ट्रगल करने की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ सिंपली चैट जीपीटी पर आकर आप उसके आप लिखें कि मुझे इस बारे में मैंने पोइट्री लिखनी है, ये आपको पूरी की पूरी पोइट्री लिख के देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैट जीपीटी सुन सकता है,
लिख सकता है। तो अगर आप इसको कहें कि भाई मुझे एक किताब लिख कर दो और उस किताब के अंदर आप थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग करके कुछ थोड़े बहुत ह्यूमन इमोशंस वगैरह सैडनेस हैप्पीनेस और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें डालें और उसको कंपाइल करें तो आपके सामने एक तैयार पूरी की पूरी किताब बन के आ जाएगी। ना आपको फुल बुक लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ आप इसको कमांड दें कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बुक लिख दो और उसके बाद आप इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके ह्यूमन थॉट्स वगैरह अपनी सोच से थोड़ी बहुत एडिटिंग करें तो आपके पास जो है एक अच्छी खासी बुक वो तैयार होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।